हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये एक्जोरा प्लांट के बारे में बात करूंगी। एक्जोरा प्लांट का जो फ्लावरिंग सीजन है वो अब शुरू हो रहा है। ये गर्मियों में फ्लावर करता है और ये बरसात तक, सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा ये प्लांट। और वैसे ये प्लांट जो है वो लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज़्यादा जो है वो केयर नहीं मांगता है ये। लेकिन फिर भी इसकी काले कई वैरायटीज आती हैं। देखिए ये वाली है, इसमें अलग तरह के फूल हैं, कलर पत्तियां भी अलग हैं। ये लंबी जाने वाली वैरायटी है, ये थोड़ी मिडिल वैरायटी कह सकते हैं। और एक बिल्कुल ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, इसमें बहुत गुच्छे में सुंदर फूल आते हैं। और अभी देखिए ये इसकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, इसकी भी अभी मैं बताती हूँ क्यों है ऐसे। तो ये मतलब ईजी ग्रोइंग प्लांट है, मतलब अगर आपको इसकी कंडीशंस पता हो तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। बस हाँ, जो इसको रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो क्या है हमें वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं बात करती हूँ, जब ये गर्मी में फूल देता है तो इसको सन अच्छा चाहिए, मतलब इसको सुबह की 4-5 घंटे की धूप मिल जाए तो ये अच्छे फूल देता है। सारा दिन जैसे दोपहर की बहुत तेज़ वाली धूप में इसे बचाएं। ज़्यादा तेज़ वाली धूप देने से क्या होता है, इसकी पत्तियाँ और फूल जो हैं वो उनमें बर्निंग आने लग जाती है, जलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये अच्छी तरह से फूल इसके बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तो सुबह की 4-5 घंटे की इसको धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और बहुत अगर ठंडे इलाके हैं तो फिर फुल डे में भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सुबह की 4-5 घंटे की बहुत होती है। और दोपहर में मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखा होता है, यहाँ पर इसमें छाया रहती है। और इसको मिट्टी जब गमले में उगाते हैं, वैसे तो आप ज़मीन में उगाएं तो कैसी भी मिट्टी लें, बस मिट्टी में खूब अच्छी सी कंपोस्ट डाल दें, खाद अच्छी डली हुई होनी चाहिए मिट्टी में। और गमले में जब हम लगाते हैं तो वेल ड्रेन्ड सॉइल में बनाएं, जैसे मैं बनाती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट ले लें, मतलब खाद ले लें। और उस खाद में थोड़ी सी नीम खली मिला लें, थोड़ी सी सरसों खली मिला लें एक एक मुट्ठी, और थोड़ा सा 1/4 चम्मच या आधा चम्मच चाय का चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला लें। तो ऐसे इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करें जिससे कि इसमें फंगस भी नहीं होना चाहिए। ये जो प्लांट है इसमें बहुत जो एक स्पेशल बात वो ये है कि ये स्लाइटली एसिडिक सॉइल में उगता है। तो एसिडिक सॉइल जब हम इसमें खूब सारी खाद मिला देते हैं, गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिला देते हैं, तो क्या होता है कि इसकी मिट्टी जो है वो नेचुरली एसिडिक हो जाती है, क्योंकि खाद हमारी नेचर में एसिडिक होती है। लेकिन फिर भी अगर इसमें इसकी सॉइल थोड़ी सी भी एल्केलाइन होने लगती है तो फिर इसकी पत्तियों में ऐसा पीलापन आने लग जाता है, इसको क्लोरोसिस कहते हैं। ये देखिए इसकी वेन्स तो ग्रीन है पत्तियों की, ये देखिए, और वेन्स के बीच का हिस्सा पीला पीला दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें आयरन की कमी हो जाती है, आयरन और मैग्नीज की कमी जब इसमें हो जाती है, मैग्नीज और आयरन जो है वो एलिमेंट्स हैं, तो उनकी कमी होने से इसके पत्ते पीले से पड़ने लग जाते हैं। और वो क्यों होती है कमी, क्योंकि सॉयल, इसका मतलब है कि एल्केलाइन हो गई है। ये शो करता है पत्तियाँ ऐसी होना कि इसकी सॉयल अब एल्केलाइन हो गई है, अब हमें इसमें कुछ एसिडिक चीज़ मिलानी पड़ेगी। उससे क्या होता है, एल्केलाइन सॉइल में जो मिट्टी में से आयरन और मैग्नीज का एब्जॉर्प्शन जो है वो जड़े नहीं कर पाती हैं, इसलिए इसकी कमी हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि आजकल गर्मी है तो गोबर खाद में थोड़ा डर रहता है, ये वर्मी कंपोस्ट है, तो एक अच्छी गुड अमाउंट में वर्मी कंपोस्ट जो है वो मैं अभी इतनी लाई हूँ, तो इतनी डाल के आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा इसके मेन स्टेम को ऐसे छोड़ते हुए अच्छी सी इसकी जो है वो मल्चिंग कर देंगे हम, इसमें ऐसे मल्चिंग कर दें थोड़ा सा इसको छोड़ते हुए। धीरे धीरे पानी डालेंगे तो वो नज़दीक आ जाएगी, लेकिन एकदम से हम थोड़ा दूर ही रखेंगे, क्योंकि ये एसिडिक है तो मेन स्टेम को ख़राब नहीं करें। थोड़ा उससे ऐसे दूर रखते हुए ऐसे अच्छी सी मल्चिंग कर दी मैंने, खूब सारी वर्मी कंपोस्ट डाल दी इसमें। तो ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या है कि अब ये मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि खाद जो है वो एसिडिक होती है। दूसरी चीज़ आप एक और कर सकते हैं कि जब आपके पौधे के पत्ते ऐसे होने लग जाएं, तो एक चीज़ तो आप ऐसा करें कि एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लें और वो अपने गमले की मिट्टी में गाड़ दें, इतना सा फिटकरी का टुकड़ा, या फिटकरी को पाउडर बना लें और आधा चम्मच पाउडर अपने गमले के चारों तरफ, गमले में ऐसे रिम के साथ साथ
आधा से एक जो है चाय का चम्मच एक ले लीजिए ऐसे छिड़कने पाउडर। तो उससे क्या होगा, फिटकरी से जो इसका मीडियम है सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी। सॉइल के एसिडिक होते ही ये सॉइल में से आयरन का और मैग्नीज का एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा। एक तो आप ये करें, दूसरा अगर ऐसे पीले पत्ते पड़े, जब ये पत्ते ऐसे पीले पड़ने लग जाएंगे इसका मतलब है कि सॉइल एल्केलाइन हो रही है, और एल्केलाइन हो रही है तो वो जो है उसमें आयरन मैग्नीज नहीं होगा तो वो फ्लावरिंग नहीं करती। उसमें देखिए इस वाले पौधे में अभी बर्ड्स बनना शुरू नहीं हुई है, देखिए इस वाले में तो हो गई हैं, इसमें कमी ज़्यादा नहीं होगी, इसमें ज़्यादा एल्केलाइन है शायद, तो अभी इसमें बर्ड्स बननी शुरू नहीं हुई हैं। तो इसमें अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर डालूंगी और अच्छी सारी, जैसे मैंने इसमें ये डाली है वर्मी कंपोस्ट, ऐसी ही खूब सारी वर्मी कंपोस्ट सबसे पहले तो इसमें डालूंगी। तो उससे क्या होगा कि इसमें सॉइल एसिडिक होगी और वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। दूसरी चीज़ और एक करें कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर आता है, उसका घोल बनाकर, उसका सॉल्यूशन बनाकर एक लीटर पानी में आधा चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर आपको दुकान पे मिल जाएगा, एग्रीकल्चर शॉप पे, उसका घोल बना के उसका अच्छे से स्प्रे करें, पत्तियों पे स्प्रे करें, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो भले ही आपकी ये एल्केलाइन हो, जब तक हम फिटकरी डालेंगे उससे पहले भी अगर आप पत्तियों पे वो एब्जॉर्ब डाल देंगे स्प्रे, तो पत्तियां जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, क्योंकि पत्तियों को मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एल्केलाइन है या एसिडिक है, उन पे जो चीज़ गिरेगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो उससे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी दूर होने से फिर आपकी बर्ड्स जो हैं वो जल्दी बननी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर नहीं है और अगर सीवीड का सॉल्यूशन है तो सीवीड का सॉल्यूशन भी आप इसमें उसका भी सॉल्यूशन बनाकर, अगर वो कॉन्सेंट्रेट लिक्विड वाला है तो 4-5 बूंद एक लीटर में डालकर उसका भी आप स्प्रे करें, तो फिर आपके इसमें बर्ड्स बननी शुरू हो जाएंगी। एक्जोरा में जो है वो बर्ड बनना जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, फ्लावरिंग आने में इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कई बार अगर आपने अच्छी अमाउंट में इसमें खाद नहीं दे रखी है। तो फरवरी के महीने में आप इसमें अच्छी तरह से खाद दे दें अपने पौधे में खूब सारी, 12 इंच का गमला है तो 200-300 ग्राम तक, और इतना बड़ा 16 इंच का गमला है तो आधा किलो तक आप जो है वो खाद दे सकते हैं। देखिए इसमें कितनी बर्ड्स आ रही हैं, आप नीचे भी देखिए कितनी ज़्यादा बर्ड्स आ रही हैं इसमें, ये देखिए छोटी 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 खूब सारी बर्ड्स आ रही हैं, पिंक कलर का है और ये मैंने फुल सन में रखा है। तो देखिए फुल सन में मैं इसलिए मना करती हूँ कि देखिए फुल सन में जो रखा हुआ है उसके देखिए फूल ऐसे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं जल्दी, तो फूल, अब मेरा ये बड़ा गमला है इसलिए मैंने इसको यहीं रहने दिया है, लेकिन फूल जल्दी ख़राब होते हैं फुल सन में अगर हम इसको रखते हैं। और मिट्टी जो है वो इसकी हमेशा मॉइस्ट रखिए, आप इसमें पानी इतना देते रहिए कि मिट्टी मॉइस्ट रहे और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, सौगी नहीं हो, जिससे कि इसकी जो जड़ें वगैरह है वो कटनी शुरू हो जाए, सॉरी रॉटिंग शुरू हो जाए, उसमें सड़नी शुरू हो जाए। तो ये हमने बात कर ली, मिट्टी की बात कर ली, लाइट इसको कैसी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, और फर्टिलाइज़र की जब मैंने बात की तो मैंने आपको बताया कि फरवरी में अच्छी तरह से इसको खाद दे दें, और उसके बाद अभी इस मौसम में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट की अच्छी सी मल्चिंग कर दें, 2 इंच तक, इतनी मोटी लेयर तक वर्मी कंपोस्ट की गमले में चारों तरफ आप थोड़ा मेन स्टेम से थोड़ा सा 1-1.5 इंच दूर पर चारों तरफ अच्छी तरह से डाल दें। उससे क्या होगा, जैसे जैसे हम पानी देंगे पौधे को रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा स्लो रिलीज जो है वो मिलता रहेगा न्यूट्रिएंट्स, और आपका पौधा जो है अच्छी सी फ्लावरिंग करेगा। हाँ, अगर वैसे तो इसमें वर्मी कंपोस्ट देना ही सफिशियंट है, लेकिन फिर भी आप इसमें थोड़ी सी बोन मिल भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए थोड़ी ठीक रहती है। वैसे नहीं डालेंगे तो इसमें ये सफिशियंट है वर्मी कंपोस्ट डालना, और उससे इसमें फ्लावरिंग अच्छी आ जाती है। और इसकी जो प्रोपेगेशन की जब हम बात करें तो ये देखिए स्टेम कटिंग से बहुत अच्छी तरह लगता है, मैंने यहाँ एक स्टेम कटिंग लगाई थी वो शायद निकाल ली मैंने, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, नहीं अब इस टाइम नहीं है, मैंने इस गमले में एक स्टेम कटिंग लगाई थी। तो इसकी स्टेम कटिंग आप फरवरी में लगाएं या जब अब बारिश आएगी उसमें लगाएं, तो ये स्टेम कटिंग इसकी बहुत अच्छी तरह से लग जाती है और ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है स्टेम कटिंग से। और दूसरी चीज़ है, इसमें जब फूल बन जाते हैं और अगर आप इनमें
छोटे छोटे बेरी जैसे फ्रूट्स आते हैं, और वो फ्रूट्स अगर इसमें से पक जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उन फ्रूट्स को ले लें आप और उनको ओवरनाइट सोक करके, अब आगे जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, ओवरनाइट पानी में भिगो के और उनको आप लगा दें, तो उनमें से इसके प्लांट्स निकल आते हैं। मैं इस बार बारिश में ये करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, तो वो भी एक साथ आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। आप इसमें एक काम और करिए कि बहुत जंग लगे हुए जो कील के कील वगैरह पुराने होते हैं, उनको आप एक दो दिन पानी में भिगो के रख लीजिए, और उनका जो पानी निकलता है फिर ब्राउन ब्राउन सा जो पानी एक दो दिन बाद बनेगा, वो पानी आप इस प्लांट को दीजिए। उसको देने से क्या होगा, इस प्लांट को आयरन मिलेगा, और आयरन से क्या होता है कि ये जो फूल हैं, देखिए अभी ये ऑरेंज हैं, इनका थोड़ा सा डल कलर आ रहा है। मैं भी इसमें आयरन डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कुछ दिन बाद जब मैं और किसी प्लांट का वीडियो बनाऊंगी, तो इसके फूलों का रंग ब्राइट हो जाता है जब भी आयरन डालते हैं। किसी भी प्लांट में जब आप आयरन डालते हो तो उसमें फूलों का रंग, बोगनविलिया में भी आयरन, आप ऐसे मैंने कहा है कील एक दो डाल दो बोगनविलिया के गमले में तो भी है, तो आयरन से इसका कलर ब्राइट होगा। ये आप जरूर करिए, आयरन वाला पानी इसमें डालना। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, और आप ऐसा ट्रीटमेंट इस प्लांट को करेंगे तो बहुत अच्छे फूल देगा आपका पौधा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, फन गार्डनिंग इंग्लिश, उसे भी देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।